वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दास गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी तो आप सब नूं एक बहुत वड्डी एक गल जिहड़ी कि हिंदुस्तान की धरती ते वापर रही है उहदे बारे जानकारी दे के देनी चाहुंदा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की इतिहास के विच पहली बारी हो रहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो रेड फोर्ट लाल किले तो मनाई जा रही है 21 तरीक नूं, जो कि कल है, और ये 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी इस नूं खुद संबोधन करनगे। मैं ये कहांगा कि एक इतिहासिक एक ये मोमेंट है जिथे कि देश विदेश के विच सिखां नूं इस दे उत्ते एक खुशी जाहिर करनी चाहीदी है कि घट्टो घट्ट किसी प्राइम मिनिस्टर ने इन्नी गल तां जरूर कीती कि घट्टो घट्ट श्री गुरु तेग बहादुर जिन्हें हिंद की चादर कहवाया, जिन्हें हिंदुस्तान की उस टाइम एक इज्जत ते पत रखी, घट्टो घट्ट उस नूं एक अच्छे तरीके दे नाल हिंदुस्तान सरकार ने मनाउण दा फैसला कीता है। पर वो भी उन्हां नूं ये पहला इस तरीके नाल किसी ने सोचा ही नहीं सी, पर ये पहली बार ही होया है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है इस दे बारे कुछ कर रहा है। सानू ये नहीं कहना चाहिदा कि ये माड़ा है ये चंगा है, पर मैं तुहानू एक गल जरूर कहूंगा, खुद सोचो, जरूर सोचो कि जो ये पहला कदी नहीं होया जो हुण हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हुण घट्टो घट्ट सरकार या सरकार दे विच कुछ ऐसे ऑफिसर हन जिहड़े कि इस प्रति दृढ़ता नाल ओ एक अच्छे पंजाब वल अच्छे पंजाब नूं देखना चाहुंदे ने और उहदे वास्ते बहुत ही ज्यादा कम कर रहे ने। एक बहुत वड्डी गल है कि उस दिन दो सब तो वड्डे इतिहासिक कम होने जा रहे ने कि श्री गुरु तेग बहादुर जी वास्ते एक स्टैंप भी कढ़ी जा रही है, प्लस उहदे विच एक कॉइन कढ़िया जा रहा है, सिक्का कढ़िया जा रहा है, जो कि एक सिख विरसे नूं सिख इतिहास नूं दर्शाउंदा है, जो कि असीं पिछले कई दहाकियां तों ये चीज़ां भुल चुके सी या साडे वास्ते मतलब किसी ने कुछ नहीं सी कीता। उही हिसाब सानू हुण ये भी कहना पएगा कि जे 400 जथेदार हिंदुस्तान दे विच्चों या बाहरों देशों तों अगर इस फंक्शन नूं अटेंड कर रहे ने ते इहदा मतलब ये आ कि वो जथेदारा ने भी इस चीज़ नूं सलाघा कीती है और वो भी सारे इस दे नाल सहमत हन, तो वो इस दे उत्ते भी अपनी सहमति दे नाल ही नाल वो योगदान दे रहे हन। मैं एक रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत सरकार नूं जरूर करनी चाहुंदा हाँ। देखो मैं एक विदेश दे विच एक इलेक्टेड नुमाइंदा हाँ, तो इलेक्टेड नुमाइंदा होने के नाते मैं मतलब अपनी कम्युनिटी बारे बहुत ज्यादा गल नहीं कर सकता, पर मैं इस कम्युनिटी चो आना हाँ पर मैं रह नहीं सकता, इस करके मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत सरकार नूं एक अपने वल्लों एक अपील करता हाँ कि तुसी घट्टो घट्ट जिहड़े कैदी जिहड़े कि अपनी अपनी पूरी सजा कर चुके हन जिन्हां दी रिहाई बनती है घट्टो घट्ट उस नूं भी उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और हिंदुस्तान दे मिनिस्टर अमित शाह इस नूं मतलब भी प्रवानगी दे देन और उन्हां नूं रिहा कीता जावे तां कि इह खुशी उन्हां वास्ते भी आवे, क्योंकि ओह उस टाइम ते भटके हुए हन जिस टाइम दे विच एक सरकार जिसने कि सिर्फ इहो ठान्या सी कि एक कौम नूं असीं खत्म करना है तो एक कौम नूं असीं सब कुछ ही देना है, वो मैनूं उहदे बारे दस्सण दी लोड़ नहीं, जो समझदार ने वो समझ जाणगे। और इस करके मैं भारत सरकार नूं अपनी वल्लों एक अपील करदा हाँ प्लीज़ कि तुसीं उन्हां दी रिहाई कर दिओ, क्योंकि उन्हां दी रिहाई अगर हुंदी है तां घट्टो घट्ट सिख पंथ दे विच इह दोहरी खुशी होवेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दास गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी तो आप सब नूं एक बहुत वड्डी एक गल जिहड़ी कि हिंदुस्तान की धरती ते वापर रही है उहदे